मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में हो रही लगातार मूंग की तुलाई में गड़बड़ी। गड़बड़ी को लेकर किसानों ने शुक्रवार को किया धरना प्रदर्शन, जिसके बाद एसडीएम दिनेश सिंह तोमर एवं एसडीओपी आकाश अमलाकर मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि आप अभी आप रोड को खोले, आपकी समस्याओं का कल कलेक्टर साहब के साथ हम सभा कर समाधान करेंगे, जिससे आपकी मूंग की उपज को वेयर हाउस में ले सकेंगे। उसके बाद शनिवार को कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर नसलोगंज पहुंचे और क्षेत्र के सभी वेयर हाउस मालिक एवं सर्वेयर के साथ मीटिंग की। उसके बाद मां नर्मदा वेयर हाउस हालियाखेड़ी पहुंचे और वहां पहुंचकर कलेक्टर ने परेशान किसान वेयर हाउस एवं सर्वेयर की बात को सुना और समझा। सभी की बात सुनने के बाद यह आदेश दिया कि किसी भी किसान की उपज रिजेक्ट नहीं की जाएगी, सभी के मूंग सरकार समर्थन मूल्य में खरीदेगी। किसानों को कहा कि आप अपनी फसल में ग्रेडिंग करके लाएं और वेयर हाउस के मालिक को आदेश दिए कि आपको जिस मूंग में गड़बड़ी दिखती है उस मूंग में ग्रेडिंग मशीन द्वारा सफाई कराएं। साथ ही किसान की शिकायत के बाद सोसाइटी के प्रबंधक मोहन पवार को मूंग खरीदी के व्यस्त समय पर वेयर हाउस में मौजूदगी नहीं होने पर एसडीएम ने जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद पुराने सर्वेयर को भी तत्काल हटाया गया। उसकी जगह दूसरा सर्वेयर तुरंत बुलाया गया, जिसने लगभग 32 ट्रोलियों के उपज को खरीदा। नसलोगंज से संदीप राठौर की रिपोर्ट। जी तीन बार चेक हो चुकी है। मंडी गाँव मंडी बोला ना जरा उसी में डाल दूसरा सैंपल ले लो डायरेक्ट इसमें ज्यादा क्यों है, इस वजह से आपने वो क्या प्रोग्राम मिट्टी 12% नमी हमारे यहाँ 2% से ऊपर मिट्टी आएगी साहब, समझ रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसको छन्ना लगाओगे पंखा लगाओगे तो सर ग्रेडिंग करके ही मूंग रखे हैं, इसके बाद भी कितना तो निकल आएगा ना, ये छोटी छोटी निकल जाएगी ग्रेडर से निकल जाएगी आप तो अब इसके बाद भी जो है ये तो कंसीडर हो जाएगी। अगर ये ग्रेडिंग हो जाएगी तो ये खरीद सकेंगे। ऐसी खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।